इतना देव मुझे बचा ले रहे। के बात होगी ताऊ? अरे ये चंद्रपाल जो है इससे 2000 रुपए उधार ले लिए थे पीछे जब तेरी तय बीमार थी। अब ये मेरी भैंस ले जा रहा खोल के, मेरी जीवन कैसे चलेगा आगे को? दूध नहीं मिलेगा पीने को। इसकी के हिम्मत जो भैंस ले जाओ। चलिए ताऊ। अरे कैसा ताऊ की मारपीट कर रहा? मारपीट कर रहा? 2000 रुपए ना दे रहा मेरे? तो 2000 के ऊपर भैंस ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा। ले जाके दिखा भैंस को। ले पैसे और इंगत इंगत दी भी गए ना तेरा भूस भर देगा। बेटा देव तेरा बहुत बहुत एहसान, तेरी वजह से आज इज्जत बच गई। ताऊ ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है ताऊ। बहुत बढ़िया बेटा, भगवान खुश रखे, बहुत अच्छा बेटा दे। ओ टप्पल, अरे कहाँ बारिश में घूमता फिर रहा तू? जिसके जीवन में सूखा सूखा उसे बारिश के बिगाड़ेगी उसका यार। पर तू यार आदमी ठीक ना यार, तू मेरा यार हो के मेरा एक काम नहीं कर पा रहा यार। अरे तेरी मैं बहुत सोच रहा हूँ, क्या बात होगी मुझे बता तो सही। अरे यार ब्याह करवा मेरा, अब तेरी तो सेटिंग चल रही है, अब तेरी सेटिंग चल रही है तो ब्याह भी होना, मैं तो नहीं रह गया ना यार। अरे मैंने 3-4 से बात कर रहा थी है, और कल राम सिंह द्वारा चलेंगे, तू बेफिक्र रहे, और तू निकल ले, बारिश तेज होने वाली है। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिए बात का। ठीक है टप्पल। पक्की बात है? पक्की। ठीक है। आया ना बलोर भी आ गया ले। अरे माँ बहुत भूख लग रही है, रोटी ले आ। अरे तू हाथ मुंह तो धो ले, अब लाई मैं रोटी। अरे हाथ तो धोए हुए हैं, तू रोटी ले आ। चल बैठ जा। अरे माँ जल्दी ला रोटी, भूख लगी है, भूख लगी है। अरे माँ लिया रोटी, ओहो रोटी लिया मेरी माँ, ए मेरी माँ रोटी लिया। ले आई तो सही, ले खा ले। बहुत देर से बाट देख रही तेरी। अरे माँ आज तेने मुर्गा कैसे बना दिया? रे बैंगन है यू, वैसा मुर्गा कदी मारे बना घर में। अच्छा अच्छा बैंगन, मैं भी देखा माँ ने सब्जी में आज मुर्गा कैसे बना दिया। खा ले। बेटा एक बात कहूं? हाँ माँ। वो सुरजीत की साली ना गुड्डन, तू उससे ज्यादा हंसी मजाक मत करे खरे, ब्याह की बात चल रही तेरी, बात बिगड़ जाएगी। अरे माँ ऐसे कैसे बात बिगड़ जाएगी मजाक करने से? एक तो साली लगे है और ऊपर से मेरा ब्याह होने वाला है। अरे माँ उससे मजाक ना करूंगा तो और किससे करूंगा? देख बेटा तेरी अभी अल्लड़ बुद्धि है, जितना मैं कह रही ना मेरी बात का ध्यान कर ले तू। अरे माँ ध्यान ही है, आज तो सवेरी से होंगे गया भी ना हूँ, देख कहूंगा क्या कर रही है। तू बाज नहीं आवे, रोटी लाऊं? और ना माँ बस। चल खा ले। अरे पानी ले आइए। ठीक है ला रही हूँ। क्या कर रही है गुड्डन? कुछ ना दीदी, भैंसों को पानी पियाने के लिए पानी भर रही है। अच्छा ठीक है, पानी पिया के फिर थोड़े से कपड़े पड़े उन्हें धो लिए। ठीक है, बहुत काम पड़ा, मैं भी जाके झाड़ू लगा लूं। आज तो माँ ने घना ही स्वाद खाना बना दिया, पेट घना ही भर गया। पानी क्यों गेरा तन्ने? नहीं गेर दिया, होली आने वाली है फिर तू चली जाएगी, मैंने तो आज ही कर दिया अपना काम। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे और मेरे ब्याह के पिताजी ने मना कर दी, और अच्छा ही किया, कमाने का ना धमाने का, और हरकतें देखो एक से एक पागलों वाली। ऐसे कैसे ब्याह के मना कर दी? अरे मेरे में कमी के है, हंसी मजाक तो चलता रहे, बिना मजाक के जिंदगी है? जा तो फिर मजाक ही करता रहे जिंदगी भर, गुड्डन तो तुझे मिलने से रही। ऐसे मत कह गुड्डन, तेरे बिना मेरी क्या जिंदगी है? ओ मेरी गुड्डनिया, ओ मेरी गुड्डनिया, ओ गुड्डनिया, ओ गुड्डनिया, बाहर चल तू यहाँ से। ओ गुड्डनिया जा यहाँ से। अरे भाभी ये गुड्डन क्या कह रही, तुम्हारे पिताजी ने हमारे ब्याह की मना कर दी गई है? हाँ तो क्या गलत कह रही है, सही तो कह रही है, तू काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, सारे दिन नुई टांग मारता फिरे जा। अरे यू टांग मारना कम काम को ही है, एक दिन तू पूरे दिन टांग मार के देख, तेरी टांग में ना दर्द हो जा, और मैं खेत पे फावड़ा लेकर भी जाऊँ, यू कम काम है? अच्छा जी बहुत बड़ा काम है यो तो, तू तो घना ही काम करे है भाई। अरे तेरी ढाल गोई हूँ, पूरे दिन नुई निठल्ली फिरती रह भाभी। के मैं निठल्ली? हाँ निठल्ली, हाँ निठल्ली, हाँ निठल्ली, हाँ निठल्ली। कदी करवाऊं तेरा भ्यासा, किस गुलाम में मैं तू, मेरे बापू तो देखता फिर रहा छोरा, करवा दूंगी तेरा भ्यासा।
राम राम भाभी। राम 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 राम। आ बैठ करिश्मा, आज कैसे आ गई मारा तू? भाभी मुझे ना इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है। बस इतनी सी बात? ये देख डुओलिंगो ऐप, इससे तू अपनी इंग्लिश सुधार सकती है। डुओलिंगो ऐप ये क्या है? ये एक पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। यहाँ इंग्लिश सीखी जा सकती है हिंदी से और 40 अन्य भाषाओं से भी। ऐप से सीखना तो थोड़ा मुश्किल लगता है। अरे नहीं नहीं, यहाँ इंग्लिश सीखना गेम खेलने जैसा ही आसान है। और इस ऐप की एक और खास बात ये है कि इसमें एड्स नहीं आते। इसके अलावा ये लैंग्वेज सीखने के तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये तो कमाल की ऐप है, कहाँ से डाउनलोड करूँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहीं से। तो दोस्तों अगर आपको भी इंग्लिश ठीक करनी है तो आज ही डाउनलोड करें डुओलिंगो ऐप। रा सुरजीत भाई यहाँ के बात है भाई। अरे ब्याह की बात करनी है। किसके ब्याह की? मेरे ब्याह की। तेरा भी ब्याह होगा? गोबर के चौथ जैसा तेरा मुंह है, तू भी ब्याह करवाएगा? अबे छोटे हाथी, जब तेरा ब्याह हो सके तो मेरा ब्याह ना होगा भला? अच्छा हाँ। सिकल देखी तना कभी अपनी सिस्से में? देखी। पक्का? पक्का। डरा तो ना था? अजी मैं क्यों डरूंगा, मैं तो औरों को डराऊं। और सुन हाँ। मेरे पीछे लौंडो की लाइन लग रही है, यूं तो मैं हूँ घास ना घेरता हूँ। और ऐसी लौंगा बहू दुनिया याद करेगी, तू भी याद करेगी। ये तो वो वाली बात होगी, सिकल चुड़ैल की और मिजाज परियों का। हाँ? अच्छा हाँ। लेकिन दिक्कत एक है भाई, दो फुट का तू आदमी है, तेरे साइज की बहू कैसे मिलेगी? अबे छोटे हाथी, जब तेरा ब्याह हो सके तो मेरा ब्याह ना हो सके भला? मैं छोटा ट्रक दिखाऊं तुझे? के काम कर रहे लाला जी? मेरी दुकान है, बस उसी से ठीक ठाक काम चल रहा। अच्छा परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, माँ बाप है नहीं। छोटा भाई ठेकेदारी में बाहर रहता, जब काम नहीं होता तो गांव में रहता। अच्छा लाला जमीन कितनी है? 28 बीघे जी। ठीक है लाला, सलाह करके बतावेंगे फिर। चल बेटा। राम राम। राम राम जी। राम राम। नमस्ते। लाला मुझे तो इनका हिसाब किताब ठीक लग रहा है, लड़का भी मेहनती है, जल्दी निपटाते हैं इस काम को। ठीक कह रहे हो पिताजी। अबे मनप्रीत तूने कह रहा है यहाँ शेर उतर रखा है जंगल में? हाँ? अरे अब नहीं आने का हूँ। क्या? अरे मैं टट्टी करने जा रहा था अभी और वो मुझे रास्ते मिल गया। वो मेरी उनको घूरा, मैं उसके लिए घूरा। अब देखा देखी मैं गुस्सा आ गया ना, वो हटिया ना मैं हटिया और भाई हत्तापाई हो गई। और फिर मैंने जो पटकी मारी, बस मारी दी, अब उठिएगा ही नहीं। अरे ये तो कुत्ता। कुत्ता? अरे कुत्ते से तो डरूंगा, शेर को तो पैर के फेंक दूं मैं। अब एक बार की और सुन, तुम भी सुनो रे। एक पहलवान आया, उन्हें खड़े पे लंगर फेर दिया। मैं खड़िया वही मैंने छो में जो गया नायर ऐसे मार दी, नाड़ी तोड़ दी। अरे तू यहाँ बैठा, मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया। अरे यार आज तन गुड्डन देखी कहीं? हाँ देखी, वो तो एक घंटे पहले बाजार भी जाती देखी मैंने। अच्छा हाँ। अरे फिर तो मैं यही बैठूंगा, यहीं से वापिस जाएगी। ओए अपने घर चलो, बहुत देर कहानी सुनो। जाओ जाओ, चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही है। हाँ, अरे अरे कितनी देर होगी गई वही ने? अरे अभी एक घंटा भी ना हुआ, आने वाली होगी। अच्छा फिर तो ठीक है, आने में होगी। अरे भाई मैं चलूंगा, रुकू? अरे तू यही रह, तेरी भी तो भाभी है। गुड्डन ए गुड्डन। अरे यार अपने पिताजी से कह के ब्याह की तारीख लिखवा ले, कब तक कुआरा बैठा रहूंगा? ना निकलवाती, तू जाके जो निकलवा ले। अरे तू कर ले। ओ पुलिस वाले भैया, ये थार तो कुछ कहना चाह रहा। क्या बात है? कुछ ना जी। क्या मरोड़े होता जी? मैं तो राम राम करना चाह रहा। राम राम जी। चल रास्ता ना अपना, चल राम राम हो गई। ले भाई इसका तो बैठ गया जुगाड़, मैं ही रह गया हूँ, मैं भी बैठाऊंगा कहीं ना कहीं। देख सो
कद आवेगी मेरी तू बहू बन के, कद आवेगी मेरी तू बहू बन के, ओ कद ना चूंगा सुरजीत भाई हैं के? हाँ हैं, बता के बाप। अरे यार बताऊं के? यार भाई तेरा तो ब्याह हो लिया, तू तो मौज ले रहा, और यार मेरी गैल को भी सबका ही हो लिया, मैं ही रंडवा घूम रहा, भाई मेरा ब्याह करवा दे। अबे तू भी ब्याह करेगा? अपना मुंह तो देख चप्पल सा, उसका कौन ब्याह करेगी? अरे भाई मैं इतना लंबा चौड़ा आदमी खानदानी, मेरा ब्याह ना होगा तो किसका होगा भाई? कहाँ सा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है तो इतना सा? भैया मैं जितना ऊपर हूँ ना उतना नीचे भी हूँ। अच्छा भाई रोटी भी अपने आप ही बनानी पड़ रही है, यार मेरा ब्याह करवा दे सुरजीत भाई। चल मारी रिश्तेदारी में एक बिहारन है, उसकी बहन है कुंवारी, उससे बात करके देखता हूँ, अगर वो मान गई। हाँ हाँ सब चलेगी। हैं अलक निरंजन, अलक निरंजन। अरे लाली कुछ बाबा को देने क्या है? क्या चाहिए बाबा? अपनी बहन दे दे। दे क्या है बाबा? कुछ ना, तेरा घर बहुत अच्छा है। क्या नजर लगाओगे हमारे घर को बाबा? अरे ना नजर प्रजन ना लगा रहा, कुछ दूध दही रोटी पानी दे दे मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है मंगा रही हूँ। हाँ जी जी। ए बाहर एक बाबा खड़ा, कुछ खान पीन को धराओ तो उसे दिया जाता है। ला रही हूँ जी जी। ये लो बाबा। लाली तेरा हाथ में तो बहुत तगड़ी रेखा, तेरी तो किस्मत पलटने वाली है। अच्छा बाबा ऐसा क्या लिखा मेरे नसीब में? तेरे नसीब में तो बहुत सुधा छोरा लिखा। अच्छा बाबा और क्या लिखा मेरे नसीब में? तुझे वो सारे जहाँ की खुशी देगा, तुझे चांद तारे तोड़ लाएगा और तुझे बहुत खुश रखेगा, और उसका नाम देव होगा। Oh no! है? के कही बाबा? कुछ ना कुछ कुछ ना। अरे यो भी लिखा के वो भेटा गाँव का? हाँ। अरे यो भी लिखा के वो निकम्मा लफंगा है? लफंगा कहीं का
चाची राम राम। राम राम। मेरा देव देखा तुमने आज इंगे? ना बेटे मैंने नहीं देखा, आज नहीं आया इधर। पता नहीं कहाँ चला गया भाई। छोरे से मैं भी दुखी होली है, सारे में चीते की रोड मछरी है, चीता उतर रहा है, ना तो रोटी टाइम से खावे है, ना मुझे बता के जावे मां वहां जा रहा हूँ। अरे दे, कहाँ चला गया ये छोरा आज बता। दे, अरे चल ही आ रहा। अरे चप्पल तन्ने मेरे देव देखा के। अरे मेरा नाम टप्पल है। अरे टप्पल चप्पल कुछ भी हो तू मुझे देव को बता दे, कहीं देखा हो तो। अरे गया होगा कहीं काम धंधे को, तू क्यों परेशान हो रही है? हाँ बहुत काम करो ना तुम दोनों, देखे कहा सारे दिन पहाड़ी ना तोड़ो तुम। अरे मुझे नो डर लगा रहा है, जितनी उपाध करे वो कहीं पीठ छिटके ना आवे। अजी हाँ उसे पीट सके भला कोई, हनुमान हूँ मैं हनुमान, गदा बजा दूंगा गदा, जो उसकी तरफ किसी ने आंख भी कर दी तो। अरे तुझ पे मेरा एक रैपट झिलने का ना, हनुमान बना फिर रहा। अरे माँ मैं तेरी बात थोड़े ना कर रहा हूँ, तू तो माँ है, तू तो कितना ही पीट ले चाहे। अरे तू सारी बात छोड़, उसे बता दे कहाँ गया हो। अरे मुझे ना पता, नहीं भी चल दिया नू कह के बता। वैसे जंगलों में चीता उतर रहा, मैं कहाँ ढूंढू, सवेरे से ढूंढती डोल रही हूँ उसे, लेंगे को और देख का हूँ। अरे सुरजीत भाई मैं तो तुम्हें ही देखने जा रहा था घरो। अरे टप्पल मैं भी तेरे धोरे को जा रहा था। अरे यार सुरजीत भाई मैं तेरे घरों जा रहा था तेरे से मिलने, क्या हो गया इस मामले का? वहाँ बात पक्की हो गई है, इतवार को चलना। अच्छा कुछ पैसे देने का भी इंतजाम कर लिए, कभी सोचा वहाँ से कुछ दहेज मिलेगा? मिलना कुछ नहीं और उल्टे खर्च करने पड़ जाएंगे। सुने पैसे की बात ना है, पैसा बहुत है मारे धोरे, तू एक बार इस काम करवा दे किसी तरह। ठीक है तो इतवार को चलते हैं। और हाँ एक बात और, कुछ फल फ्रूट भी ले चलिए और वरमाला का कर लिए इंतजाम। भाई तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, मैं तो कद से इंतजार कर रहा हूँ का, और तू सारा जुगाड़ कर दूंगा मैं, तू बस सिर्फ एक बार ब्याही करवा दे। अच्छा राम राम। राम राम भाई, राम राम। ठीक है भाई, लाइट बढ़ गई, अब ब्याह हो जाएगा साला। अरे यार कहाँ हुआ पक्का, इतना पैसा इतनी जायदाद इतनी जमीन पर साला यो ब्याह ही नहीं होके दे रहा मेरा तो। अबे यार पता नहीं कुआरा ही मरना पड़ेगा पूरे जीवन में। चल ठीक है बाद में बात करता हूँ। अरे यार चंद्रपाल कुछ पैसे का जुगाड़ कर दे। तो तुझे क्या जरूरत पड़ेगी पैसों की? अरे यार मेरे ब्याह की बात चल रही है। अच्छा हाँ। तेरा ब्याह फिक्स हो गया? बस फिक्स ही समझ, चार पांच गांव के चौधरी लग रहे हैं मेरे पीछे, ब्याह हो ही समझ ले। देख ले भाई कभी तेरा ब्याह भी ना हो और तू पैसे भी ना दे पावे और वो तेरा दोस्त देव वो मुझे पिटते। अरे उस तक तो बात भी ना पहुंचे, और जहाँ से मेरा ब्याह हो रहा ना मेरी बहू इतना मोटा माल लेके आओगी आज तो उतार दूंगा। अच्छा जहाँ से तेरा ब्याह हो रहा भाई वहाँ माल मिला है? बहुत मोटा माल भाई, तू मेरा ब्याह करवा दे बस, पैसे ले और चाहिए है ना भाई तो बता दे भाई, बस तू मेरा ब्याह करवा दे उस जगह से। तो मैं एक काम करूँ, मेरी सगी छोटी साड़ी उससे तेरा ब्याह सेट करवा देता हूँ, एक बार पर मेरा ब्याह होगा जान दे। भाई बिल्कुल करवा दे इस काम को, करवा दूंगा चिंता ना कर। भाई तुझे और पैसों की जरूरत पड़े ना तो मांग लिए, यो सब तेरा ही तो अड़ंगा पड़ाया, पर तू ब्याह करवा दिया है ना, बस पक्का हो गया तेरा ब्याह, चिंता ना कर। ठीक है भाई तुम बात करो। पक्का? अच्छा मैं चलूं। हाँ 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 ठीक। भाई चंद्रपाल अब तेरा भी ब्याह होगा, तेरे भी बच्चे होंगे, तेरी भी फैमिली होगी चंद्रपाल। चीता हाँ और तुझे ना पता सारे गांव में रुका पड़ रहा है? हाँ के चीता देखे बड़ा मजा आया उल्लू बनाया। तूने नाक में दम कर रखा, नाश बेटा दाती कहाँ है मेरी? चाची। अरे चाची। हाँ बेटे। चाची राम राम। राम राम बेटी राम राम। ये आज कैसा फुर्सत मिल गई तुझे चाची से मिलने की? अरे मैं नू कहन आई थी के गुड्डन के यार देव के रिश्ते की टाल है। हैं टाल है? ये ऐसे क्या बात होगी, क्यों टाल करवा रही है? एक तो ये कुछ काम हिल्ला करना शुरू ना कर रहा, ऊपर से इसकी लफंगापंती दिन रात बढ़ती जा रही है, कभी तो बाबा बनकर हमारे घर में बढ़ जा,
कभी ये चीता बन के हमें खेतों में डरावे, कभी बीच रास्ते गुड्डन को छेड़े, बताओ हम कैसे करें? नाक में दम कर रखा हमारी। अच्छा ऐसी बात है, तो आज आ जान दे इसका, ये जितने उपाध पड़े करे ना आज मैं कान खींच दूंगी इसके, तू चिंता ना करे। पर रिश्ते की टाल ना करवाइये, मेरा देव इतना बुरा ना, दिल का बहुत अच्छा हो, हीरा एकदम हीरा। हाँ कैसा हीरा चाची, तो हम भी देख रहे हैं। अरे भाभी कैसा नाराज सी हो रही है। अरे माँ कैसा आई भाभी, के कह रही तेरे से? तेरे उपाध पाने बता रही है, तेरे गुड्डन के रिश्ते की टाल करना आई है। अरे माँ ऐसे कैसे टाल हो जाएगी, मैं गुड्डन और गुड्डन के पिताजी को मना लूंगा, तू अपने छोरे को ऐसा वैसा मत माने कर, मैं एकदम सुपरमैन हूँ सुपरमैन, जो चाहूँ वो कर दूँ। माँ तू बस नाराज मत होया कर। भाई देखिए मैं तेरे छोरे से भी दुखी हूँ भाई, पता ना कहाँ कहाँ गारा में लौट कर देख ले मेरे से लिपटगा, अभी ना यार कर दी सारी सारी बेकार, क्या करूँ मैं इसका। बहुत काम पड़ा गुड्डन। हाँ जी जी टाइम से आ लेंगे लिपटा के। सही बात। भाभी आ जाओ बुग्गी में बैठ जाओ। ना ना हम ना बैठे तेरी बुग्गी में। अरे भाभी बहुत आराम से चलाऊंगा। बैठ लेते हैं ना जी जी, घनी दूर जाना, चौखे बैठ जाएंगे बुग्गी में। अच्छा चल फिर तू कह रहा तो बैठ ले, मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था तो। आ जा भाभी। मैं किन्हीं को बैठूं? रोक तो सही। हाँ भाभी रोक तो रखा। आराम से चला मैं गेरे गाके। मैंने कुछ ना गिराया तो कटरे का तंग खुल गया, आजा बैठ जा द्वार है, अभी जोड़ रहा हूँ मैं। खुल गया तंग खुल गया। अरे भाभी जोड़ रहा हूँ। इतनी अकल सिखाई है इसके माँ बाप ने। भाभी जोड़ रहा हूँ। तंग करता कि रहा मैं रोज। उत्ते तेरे कर्म खराब है, तेरी माँ से कह के आऊंगी कल देखिए। अरे भाभी जोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी तेरी बुग्गी में ना बैठूं, तोड़ दिए मेरे तो हाड़ गोड़, हद कर दिया आज इसने बिल्कुल सच में। पैर पैर आगे आराम से उतरना दुल्हनिया। ना सो लिया, मैं कहाँ जा रही है, रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, रुक जा, कहाँ जा रही है, अरे रुक जा। हाँ तेरी यूं भी ना बता सकी पेशाब आ रहा, मैं सोच रहा 50,000 डूब गए। अबे यार तन तो मैं ही डरा दिया था। अरे हम कहाँ भागत रहनिया, हमें तो पेशाब ला कर रखा मुते कर रहनिया। हाँ अरे चप्पल ओए उरा उरा इरा कैसा है। अरे कहाँ से आया तू? अरे यार आऊं के यार सुरजीत ने मेरी गैल गड़बड़ कर दी यार, वो सुरजीत जो तेरे चिड़े। अरे ये कौन है? ये मेरी दुल्हनिया यार, इसे ब्याह के ले आऊं। अच्छा अच्छा, अरे के गड़बड़ कर दी सुरजीत ने? अरे तेरे ससुरे ने मेरे सारे पैसे ले लिए और वहां से भाग गया, और मैं यार 10 ट्रक बदल के यहां तक
आया हूँ और मैं इस रास्ते को तो नहीं आया हूँ यार, गांव वाले ने देखे यार, तू मुझे घर तक छोड़ दे यार। अरे चल तू बैठ और तू पहली बता देता यार। अरे पता भेजा तो था ना, राम फल ना आया तेरे धोरे। अरे वो तो ना पूछा यार, ले बैठ आ जा, मैं तो अपने काम जा रहा। चलो छमिया, अच्छा बस बस बैठ जा। चलू? हाँ चलो। अरे सही है यार, मौसम भी ठीक हो रहा है, तू सही ब्याह कर लाया, रोटी पानी का जुगाड़ हो गया। चल सेब ले लो, सेब मीठे सेब, कश्मीरी सेब, सेब ले लो सेब, थोड़े बहुत मीठे भी हैं, सेब ले लो। अरे कहाँ गए बालक नन्हे, सेब ले लो, सेब सेब ले लो। ओ सेब वाले इधर आ। कैसे दिए भैया सेब? पहली बात तो सुन लाल ली, जो मुझे भैया कह दे मैं उसे सेब देता नहीं। सेब वाले गधे कैसे दिए सेब? एक तो ऊपर से गधा कह रही है, सेब भी मेरे से ले रही है, अब तो मैं बिल्कुल ना दूं। अच्छा सेब वाले आदमी जी, कैसे दिए आपने सेब? अरे तेरे लिए तो सारी फ्री है। हैं के कई? 10 रुपए किलो। इतने सस्ते? अरे तू 100 दे दे। इतने महंगे? कभी सस्ते कभी महंगे, तैनी दिमाग की दही कर ली, तू सारे नुई ले ले, पर तू मेरे से ब्याह कर ले। लुच्चे लफंगे तू फेर आ गया, चला जा रहे थे, तुझसे ब्याह करने से अच्छा मैं काले कुत्ते से ब्याह ना कर लूं। अब जा। अरे आजा देव, बैठ बैठ। अरे मैं भी थक लिया, और सुना के हाल है? ये तो उदास सा लग रहा, क्या बात होगी? अरे यार गुड्डन ने नु कह दी तू लफंगा और निकम्मा है, मैं तेरे से ब्याह ना करूं। हाँ तो रहन दे, अगर ऐसी बात है टाल कर, तेरे लिए छोरी के भी थोड़ी ना। अरे यार मैं उसे पसंद करूं और मेरा ब्याह उससे ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो एक काम कर, तू जान ही दे दे। अरे के कह रहा तू? अरे ठीक है तो कह रहा हूं मैं, पर सुन। हाँ तू ठीक कह रहा, कल उसे मैं मर के ही दिखाऊंगा। अरे कहाँ रह गई, 1 साल का गोबर आज ही पात है के। आज उससे साफ साफ बात करूंगा। ए गुड्डन, मुझे साफ साफ बता तू मेरे से ब्याह करेगी के ना? क्यों, आज भी तो तू वैसा ही है, इब कौन से तेरे में हीरे मोती लटक गए? अरे इधर उधर की बात मत कर, साफ साफ बोल। साफ साफ? अरे मैं आज मजाक के मूड में ना हूँ, मुझे साफ साफ बता दे तू मेरे से ब्याह करेगी कि ना करे? ना ना ना, 100 बार ना। फाइनल? हाँ बिल्कुल फाइनल। ले तो आज मैं जहर पीऊंगा। हे भगवान, देव देव, हाय राम, ये तूने क्या किया? मैं तो सिर्फ तुझे सुधारना चाहती थी कि तू अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा सीरियस हो जा, पर तू इतना सीरियस हो जाएगा मैं नहीं होना सोची थी। देव मैं तो सिर्फ तेरी थी देव। हे भगवान, मैं कैसे जीऊंगी देव के बिना? देव वापस आ जा, देव मुझे छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊंगी तेरे बिना। देव पक्का ना? पक्का। शादी करेगी ना तू? हाँ बिल्कुल करूंगी। अरे पागल रो मत ना, जहर नहीं था, सैद था, बड़ा मीठा मीठा। कभी ने तू कभी ना सुधरा, तन्ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे गुड्डन तू आज तो बड़े दिन के बाद आई है, आ जा बेटी बैठ जा, काम था क्या कुछ? वो मौसी जी, वो मैं तो भूल गई क्या काम था। अरे माँ तेरी होने वाली बहू है, काम से आवेगी, वैसे भी तो आ सके। और हाँ अब तू मौसी मत कहया कर, मम्मी कहया कर, मेरी माँ को। जी जी आवाज लगा रही, दिखा फिर आऊंगी। ये बैठ तो सही, कुछ खा पी के तो जा। फिर आऊंगी मौसी जी, इसे देव को समझा लेना, बहुत शैतान हो रहा है। कैसे आई कैसे चली गई, मुझे लगा शर्मा की दिखा है।
तारी बहुआ थोड़ी बहुत तो शर्माएगी। ज्यादा छेड़ा छाड़ी मत करेगा उसकी गैल, तेरी शिकायत करके गई है वो अभी। अरे थोड़ी बहुत हो जा। दाल बना लो। हाँ दाल बना ले। चल दाल बना लो। टप्पल ओ टप्पल आजा भाई चंद्रपाल आजा बैठ। अरे क्या कर लाया? हाँ भाई कर लाया, पूरी देख तेरी भाभी। भाभी राम राम। राम राम देवर जी, और कैसन बा? ठीक बा ठीक बा। वहाँ बैठ वहाँ बैठ वहाँ बैठ, ऐसी जा रही नहीं, वहाँ बैठ, यहाँ बैठ, दूर से कृपा। अरे भाई भाभी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ? उसकी बहन भी अच्छी है क्या? हाँ हाँ बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल एकदम दूध जैसी। तो फिर मेरा ब्याह कब करवाना? भाई जल्दी करूंगा तेरा ब्याह, तेरे ब्याह की सेटिंग तो मैंने उसी दिन कर दी। पक्का? पक्का बिल्कुल एकदम। हाँ तू तैयारी कर ले बिल्कुल जोर शोर से। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ बिल्कुल फुल तैयारी। अजी चाय मैं कह रहा हूँ, इन छिछोरे से दूर रहकर, ये देवर पेवर बता रही तू, ये एक नंबर के जौर है इस गाँव के, इनका टॉप नाम है इसमें लिस्ट में। हाँ। अच्छा जी, हमारा के पता? हमारा का पता, इधर बैठ। अजी उनको भी चाय पिला के भेजत ना। तू मुझे ही पिया लेकर चाय, दूसरे को पिया कर। के कह रहा था तू माँ के आगे? सही तो कह रहा था, तू बहू ना बनने वाली है। पता नहीं मुझे क्यों बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही है तू मेरे होते हुए? हाँ लेकिन पिताजी अपनी बात पर अड़े रहे तो। अड़े रहने दे, हम भी अड़े रहेंगे। हाँ लेकिन मेरा बहुत मन घबरा रहा है, अगर उन्होंने मेरी शादी कहीं और कर दी तो। अगर ऐसा हुआ ना तो सच में जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। इधर तेरे फेरे होंगे, उधर मेरी जान निकल जाएगी, उधर तेरी डोली उठेगी, इधर मेरी अर्थी निकल जाएगी, उधर तेरी माँ तुझे विदा करेगी, उधर मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझे विदा कर देगी। शुभ शुभ बोल, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी तेरे बिना। अरे पागल, मजाक कर रहे हो, इस पगली को मेरे अलावा कौन ले जा सके? पागल ना। पगली सी। आइंदा से मजाक मत कर दियो। क्यों बे? बड़ी मशहूरी पटाई है तूने तो। अब पटाई है? तेरा कौन सी आग लग रही है? तेरा चाचा की छोरी है के? कुछ ज्यादा जवान ना चल रही है तेरी? हाँ चल रही है, तू रोकेगा? हाँ हम रोकेंगे। तू रोकेगा? तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा के हो गया? के जरूरत थी तने भिड़ने की? अरे ये गुंडे बने फिर रहे, फर्जी गुंडे। तुझे कुछ हो जाता तो? अरे मुझे क्या हो जाता, तू बैठ। पता है एक पल को तो मैं डरी गई। अरे तू, मैं जब कह रहा थी ये मेरे होते, तू मत डरे कर। पता ना कहाँ रहेगी। आ गई, कहाँ थी तू? मैं तो बिमला मौसी के घर गई थी जीजी, मैं कहाँ होती? अच्छा झूठ बोल रही है? देव से जिन तीन लड़कों की लड़ाई हुई थी ना, वे घर आके सारी बात बता के गए। तुझे कुछ शर्म वरम है कि ना? जब पिताजी ने तेर से कह दी कि देव का तेरा रिश्ता ना हो सकता, फिर क्यों तू उसके पीछे पीछे फिरे और क्यों वो तेरे पीछे पीछे फिरे? देख या तो तू समझ जा, ना तो मैं तुझे घर भेज दूंगी। घर भेजना है तो बेशक भेज दियो जीजी, जिंदगी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल ना है, और मेरा अब देव से मन जुड़ चुका है। मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी, वरना मैं किसी से ना करूंगी। यह बात मेरे से ना पिताजी से कहिए, मैं कुछ ना जानती, मुझे बस एक बात पता है कि तू अब उससे ना मिलेगी। मिलूंगी मिलूंगी मिलूंगी, और मैं जरूर मिलूंगी। अच्छा मैं भी देखूं तू उससे कैसे मिलेगी और कैसे उससे ब्याह करेगी। चल जी 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 मेरी बात सुनो, जी जी मेरी बात सुनो, जी 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 मेरा दम घुट रहा है, जी जी दरवाजा खोलो, जी जी अब ना खुला दरवाजा, पड़ी है भित्तरी। Thank you.
है? के बात है देव, के देख रहा? भाभी गुड्डन ना दिख रही। के मतलब है तेरा गुड्डन से? मतलब तो तुम सब जानो, मेरा के मतलब है गुड्डन से। देख तुझे साफ साफ कह रही हूँ, आज के बाद इस घर की माई को लखा भी मत लिए, ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। या कौन सी बात हो गई? हाँ यही बात है, ना तो तेरा इस घर से कोई मतलब और ना गुड्डन से। चल निकल अब। सही कह रही है ये, चला जाए यहाँ से। मैं ताऊ के हूँ, यूं ध्यान रख। ना ना सारी बात ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है। ना 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 भाई, तू मेरे घर मत आइए, मैं ही तेरे घर आ रहा हूँ। हाँ मैं भाई साहब, मेरे घर में एक सुंदर बीबी है, बिहार का सबसे बेहतरीन और टॉप पीस लेकर आया हूँ मैं, समझ गया? अरे मेरी रसमलाई, तू क्या झाड़ू लगा रही है? झाड़ू खा, तू झाड़ू लगाने वाली थोड़ी ही ना, तो प्यार करने की चीज है, झाड़ू मैं लगाऊंगा ना। हम झाड़ू लगाओत बानी, ठीक बा? का बानी? अजी हम झाड़ू लगा के सफाई करत बानी घर के। झाड़ू बानी मैं लगाऊंगा ना झाड़ू? अजी ना, हे भगवान, अगर रउआ लगाएं तो हमारा पाप चढ़ी पाप। रका फूल बती, तू फूल जैसी चीज है, फूल बती मैं लगाऊंगा ना झाड़ू? अजी ना रउआ रह दी, हम खुदे लगा ले। लगाई ले, मैं लगाऊंगा ना झाड़ू। देखो मौसम, आह क्या बेहतरीन मौसम है। ऐसा करता हूँ मैं, जल्दी जल्दी काम निपटा के और फिर करता हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के, तुम अंदर बैठो इतने, फिर करेंगे प्यार। हम लगा लो। अरे मेरी लीची, अबे लीची, मैं लगा रहा हूँ ना झाड़ू। मैंने तो तेरे चक्कर में अपने घर का सामान साफ कर दिया, क्या मैं झाड़ू ना लगा सकता क्या? झाड़ू तू बुरा मान रही है। अजय हम बिल्कुल ही नाराज नहीं किए। मैं कह रही तू ही लगा, मैं कह रही तू लगा ले। ये तो तू पे आ गई, तू ही लगा, तू लगा, तू लगा, तू लगा, तू लगा झाड़ू। मैं तो चली अपने देश, मैं लगा रही। अबे यार 50,000 रुपए लगा के ले आज, ना सजगा इसकी बात ना माननी, और वो भी चंद्रपाल से लिए। चंद्रपाल बड़ा हरामी आदमी है। ले फूलपति, आप यहाँ बैठो, मैं लगा रहा हूँ। हाँ। बैठना, मैं सारे घर के काम कर रहा हूँ। फूलपति मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सुंदर बीबी के लिए। ज्यादा सुंदर बीबी भी बेकार ही हो भैया, करना पड़ेगा ही। मगर तू आराम करना फूलपति। ठीक बा, ठीक बा। हाँ लीजी, आराम कर तू। हाँ ठीक बा, तू लेट जा, लेट जा। हाँ हाँ ठीक बा, खाना भी मैं ही बनाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजी इतना जोर से काहे मारत हो? कुछ ना, मुझे बिचौलिया की याद आ रही है। बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। श्रीलंका का नक्शे बन गया। पर तू चिंता ना कर, मेरी लीची। ई का करत हो? का यहाँ आटा लागत हो? कोयले की दलाली में तो मुंह काला ही होना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं।
अली जी भाई मेरी एक बात समझ नहीं आई, मैं इसे बिहार कर लाया, इसका क्या फायदा हुआ? अब मैं पूरे दिन काम करूँगा फिर शाम को सो जाऊंगा? मुझे तो ऐसा लगे बाढ़ भी बिहार से लाने पड़ते दिखे। अजी सुनत बानी, हमारे पैर में बहुत दर्द होत बा, तनिक दबा दी। हाँ दबाऊंगा दबाऊंगा, तेरे गले में दर्द है वो भी दबाऊंगा। का कहत बानी? ये अच्छी सिर पे चढ़ा ली यार, लोग मुझे गुलाम कहेंगे, पर कोई बात नहीं, मेरा बाप भी तो गुलाम था। कछु कहत बानी का? ना ना ना, मैं तो जब से ब्याह हुआ गुंगा हूँ। अच्छा अच्छा अजय कहाँ हो गए? अजय सुना था नहीं, बहुते थक गए बारनी, पूरा दिन काम करके करके। अरे यार मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा और तू ना मिला, तू यहाँ बैठा की बात है, कैसे उदास है बता भाई? कुछ ना यार बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे ना, इतना परेशान तो हमने कभी नहीं देखा, कोई ना कोई बात तो जरूर है, बता जल्दी क्या बात है। अरे यार ना दो दिन से गुड्डन का फोन आया, ना मिलने आई, और उसके घर माई भी गया ना वहाँ दिखी। अच्छा बस इतनी सी बात? अरे मैं हनुमान हूँ, मैं लंका में जाके और सीता का पता लगा के अभी आऊँ। अरे यार तू जल्दी जा। सुरजीत, अरे सुरजीत भाई है क्या? सुरजीत भाई के बात है, क्यों आया? अरे मैं न्यू आया हूँ के सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है, यू स्कीम खत्म हो जाएगी ना तो फार्म भर ले जाके। अच्छा यह बात है, मैं देखूँ चाचा के यहाँ बैठे हूँ। हाँ हाँ देखिए अब देखिए। गुड्डन 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 तुझे यहाँ बंद कर रखा है इन्होंने, तू देख बेचारा बड़ा परेशान है तेरे बिना। है परेशान हो रहा है, उससे कहना वो परेशान ना हो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ यहाँ से निकलने की। हाँ ठीक है लाली। हाँ भाई क्या बात है? अरे जो काम था हो लिया। के हो लिया? तू तो कुछ स्कीम बता रहा था। हाँ हाँ वो अभी मुझे जरूरी काम है, प्रधान का फोन आ रहा, उस पर फार्म भर जाता, उसे मैं फार्म बताऊंगा और बता के भी आया, बाद में बात करूंगा, प्रधान को समझाना बहुत जरूरी है, आपको तो बाद में समझा लूंगा। अच्छा राम राम है। तू भी पता नहीं के करता रहे हर टाइम। अरे के रहा यार? यार उन्होंने उसे कमरे में बंद कर रखा, मैं अभी देख के आया हूँ। कमरे में बंद? हाँ वे किसी दिन मरेंगे, शाम तक की बाट देख रहा हूँ ना, तो किवाड़ तुवाड़ सब तोड़ दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा, मैं भी चलूंगा और दरवाजा तोड़ने के, दरवाजे को खाल के जाऊंगा।